हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आपका टॉप से 2D चैनल में स्वागत है। आज बाजार में मिला जुला कारोबार उतना देखने को मिल रहा है, ना ज्यादा तेजी ना मंदी। मिड कैप स्टॉक और स्मॉल कैप स्टॉक में ज्यादा मूवमेंट होता देखने को मिल रहा है। इस बाजार में अभी किस स्टॉक में पैसे निवेश करने पर ज्यादा रिटर्न बन सकता है, इस वीडियो में हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिस स्टॉक में ज्यादा वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट या कंटिन्यूशन पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। आज के स्टॉक का नाम है MMTC लिमिटेड। इस स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टॉक का वॉल्यूम देखें तो स्टॉक आज के दिन ओपन हुआ 89 रुपए पर। स्टॉक ने हाई लगाया 80 रुपए 55 पैसे का, अपने करंट लेवल पर ही ट्रेड कर रहा है जहां पर स्टॉक ने हाई लगाया और वहीं पर स्टॉक रुका हुआ है जब से स्टॉक आज के दिन ओपन हुआ है। स्टॉक करंट लेवल पर 4% के ऊपर की तेजी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक के वॉल्यूम की बात करें तो बायर को आइडेंटिटी 9,96,276 को आइडेंटिटी है, वहीं पर सेल्स को आइडेंटिटी नहीं शो हो रहा है। क्या कहते हैं, ट्रेड वॉल्यूम की बात करें नंबर ऑफ शेयर्स में तो लगभग 11,08,398 को आइडेंटिटी देखने को मिल रही है। तो स्टॉक के अंदर वॉल्यूम की लिक्विडिटी देखें तो कुछ खास नहीं है और स्टॉक के प्राइस में भी देखें तो कुछ खास ऊपर उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिल रहेगा। इसका कारण यही है कि स्टॉक के अंदर आज के दिन एक बड़ी मात्रा में लिक्विडिटी नहीं देखने को मिल रही है, इसलिए स्टॉक के प्राइस में भी अप डाउन देखने को नहीं मिल रहा है। स्टॉक के रिटर्न्स की बात करें तो स्टॉक के रिटर्न्स पीछे के एक सप्ताह के अंदर स्टॉक में 15% की करेक्शन देखने को मिली है, परंतु एक महीने के अंदर 20% की तेजी, 3 महीने में 52%, 6 महीने में 108%, 1 साल के अंदर 149% से भी ऊपर के रिटर्न देखने को मिले हैं। तो लॉन्ग टर्म में तो इस स्टॉक में एक बड़ा पॉजिटिव मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है, परंतु पीछे के एक सप्ताह से इस स्टॉक के ऊपरी लेवल पर स्टॉक में करेक्शन देखने को मिल रहा है। स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखें तो इस स्टॉक में वन वे रैली देखने को मिल रही है, जहां पर स्टॉक ने एक टॉप बनाया 100 रुपीज का। 100 रुपीज का इस पॉइंट पर स्टॉक ने एक टॉप बनाया, ऊपरी लेवल पर इस स्टॉक में करेक्शन देखने को मिल रही है। स्टॉक का जो नीचे का एक बड़ा सपोर्ट लेवल है वो 17 रुपीज पर है, जहां पर स्टॉक एक कंसोलिडेट के बाद स्टॉक ने एक रिटेस्ट किया और एक बड़ा सपोर्ट लेवल बनाकर स्टॉक में एक वन वे रैली देखने को मिली। अभी स्टॉक वहां से काफी ऊपर है, स्टॉक ने 73 रुपीज का एक इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस बनाया, वहां से स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो अगर आप इस स्टॉक में पोजीशन बनाना चाहते हैं तो 73 रुपीज के एक इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के टारगेट अराउंड 100 रुपीज के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। जब तक स्टॉक 70 रुपीज से ऊपर रहता है स्टॉक में एक अपसाइड मूव देखने को मिलेगा। ऊपर स्टॉक में एक रुकावट रेंज है 100 रुपीज जो कि स्टॉक का हाई है। जब तक स्टॉक इस प्राइस को ब्रेकआउट नहीं देता ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक सेलिंग प्रेशर बनता हुआ नजर आएगा, इसलिए एक स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन बनाए और लॉन्ग टर्म का व्यू रखे, वहां पर एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।